रीवा शहर में आस्था के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। सूत्रों की माने तो कई दिनों से श्री दिव्य राम कथा के नाम पर रीवा के मुख्य बाजार और मोहल्लों में चंदा वसूल किया गया था। वसूली करने पहुंचे आयोजकों ने दावा किया था कि 7 नवंबर से 20 नवंबर के मध्य पद्मधर पार्क में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की भव्य कथा हो रही है। ऐसे में दुकानदारों ने बढ़ चढ़कर दान किया, साथ ही रसीद भी प्राप्त की है। जब सोमवार को आयोजन स्थल में भीड़ और पंडाल नहीं दिखा तो ठगी का एहसास हुआ। कई भक्तों ने नगर निगम कार्यालय पहुंचकर जानकारी ली। निगम अधिकारियों ने बताया कि इस बीच मैदान खाली है, किसी ने बुकिंग नहीं की है। ऐसे में दुकानदारों ने चंदा वसूली करने आए दो ठगों की फोटो और पैम्पलेट उपलब्ध कराया है। हालांकि रीवा शहर में हो रही वसूली को लेकर पुलिस और प्रशासन चुप्पी साधे हुई है। नगर निगम के सहायक आयुक्त राजस्व MS सिद्दीकी ने बताया कि पद्मधर पार्क पूरी तरह खाली है, अभी तक किसी ने कोई कथा का आवेदन नहीं दिया है। 14 नवंबर से एक आयोजन के लिए 7 नवंबर को एक फार्म आया है जिसके बारे में विचार चल रहा है। जहां तक पद्मधर पार्क में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की राम कथा की बात है तो सरासर गलत है। उनके द्वारा कोई बुकिंग नहीं कराई गई है। वसूली करने पहुंचे आयोजकों ने दो पन्नों की रसीद भक्तों को दी है। पहली रसीद में श्री दिव्य राम कथा श्री बागेश्वर धाम द्वारा स्थान पद्मधर पार्क नाम से कैश मेमो है, जिसको काट कर भक्तों से वसूली हो रही है, जबकि दूसरे फार्म में कार्यक्रम का विवरण दिया गया है। दिव्य राम कथा 7 नवंबर दिन सोमवार से प्रारंभ होकर 20 नवंबर दिन रविवार को समापन रखा गया है। कथा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक रसपान कराया जाएगा। ये 7 तारीख से 20 तारीख के बीच में कोई बागेश्वर धाम के नाम से पद्मधर पार्क क्या कोई पार्क बुक है क्या? 7 नवंबर से 20 नवंबर 2022 तक के लिए अभी कोई आवेदन नहीं प्राप्त हुआ है और कोई अभी बुक नहीं हुए है, रिक्त है अभी। मार्केट में कुछ पंपलेट बढ़ रही है जिनके नाम से सहयोग राशि भी ली जा रही है और ये पंपलेट दिखाई जा रही है कि 7 से 20 के लिए यहाँ पे बुक नहीं। नगर निगम से कोई आरक्षित नहीं है पद्मधर पार्क और पंपलेट की जानकारी नगर निगम को नहीं। इतने सुंदर सुंदर गहने लाए दुल्हन के रूप में चार चांद लगाए के रिश्ते को और गहरा बनाए समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।